आपका आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हेडलाइन से। वारासिवनी स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर शातिर चोरों ने बोला धावा। गैस कटर से एटीएम का शटर तोड़कर चोरी का किया असफल प्रयास। एटीएम का लॉक नहीं टूटने पर बेरंग वापस लौटे चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। ग्रामीण थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चालक ने जानबूझकर सब इंस्पेक्टर पर चढ़ाई मोटरसाइकिल। घायल सब इंस्पेक्टर को जिला अस्पताल में उपचार के लिए किया गया भर्ती। हालत बताई जा रही गंभीर। लामता बस स्टैंड के पास मेन रोड पर एक दलिया से भरा ट्रक पलटा। मंडला जिले से बालाघाट दलिया लेकर आ रहा था ट्रक। सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में हुई घटना। नर्सेस स्टाफ की 10 सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल। संविदा स्टाफ और नर्सिंग छात्राएं संभाल रही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा असर। बालाघाट जिले में अलग अलग क्षेत्रों में एक महिला सहित दो लोगों की सांप काटने से हुई मौत। झाड़ फूंक से इलाज करवाने से गई मृतकों की जान। लालबरा नगर मुख्यालय के तहसील कार्यालय पहुंच मार्ग के महिला व बाल विकास विभाग कार्यालय के समीप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बेस्ट ट्रेनिंग कोंची के नवीन भवन में बीती रात अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी करने की नियत से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण सहित अन्य सामग्रियों की तोड़फोड़ कर दी गई, जिससे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संचालिका को काफी नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील कार्यालय पहुंच मार्ग के महिला व बाल विकास विभाग के कार्यालय के समीप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बेस्ट ट्रेनिंग कोचिंग किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है, जहां सीपीसीटी सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इसके समीप ही नवीन भवन का निर्माण कार्य जारी है, जहां भवन बनकर तैयार हो चुका है और लाइटिंग फिटिंग टाइल्स लगाने का कार्य किया जा रहा है। सोमवार की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी करने की नीयत से नवीन भवन में घुसकर बिजली फिटिंग के बोर्ड स्विच वायर रेगुलेटर की तोड़फोड़ कर फरार हो गए। जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संचालिका चेतना लीला रे उमा सौदागर मंगलवार को प्रातः 11 बजे अपने इंस्टीट्यूट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नवीन भवन में तोड़फोड़ कर दी गई। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन थाना भवन पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज की। क्या हुआ घटना में बीती रात को यहाँ पे? बीती रात घटना में ये पाया गया कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब में तोड़फोड़ मचाई गई किसी अननोन पर्सन के द्वारा। चालू है उस निर्वासन में कुछ 2-3 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले यहाँ पे आए, हमको धमकाया भी गया उनके द्वारा। तो हमने कहा कि हमारे पास तो ये 3 साल से हम काम कर रहे हैं, बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन ये हमें पुलिस भी यहाँ पर विजिट करके गई तो उन्होंने कहा कि ये सब चोरी का नहीं मामला लग रहा है। ये बोले आपसे जो जनरल रख रहे हैं जो यहाँ अदर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन हमें ये लग रहा है कि जो भी जिसके पीछे भी इनका हाथ है, हम थाना प्रभारी से ये मेरा निवेदन है कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सख्त सख्त सजा मिले और हमारा जो भारी जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। सर लगभग 50 से 60 हज़ार। आप आए तो जानकारी कैसी लग रही है आपको, जैसे करियर प्रति लोगों ने आके कौन है इसके पीछे ने, ऐसा कुछ जान सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है? जी सर, यहाँ पे इसके पहले कुछ 1 वीक पहले राजा भोज कंप्यूटर कृष्णा कंप्यूटर में बोले किसी को भेजे उनने किसी पर्सन को बैठ के किसी और को भेजे जी, डायरेक्ट फेस नहीं किए। बाकी इसमें अदर और इंस्टीट्यूट है उत्कर्ष, उन्होंने भी कहा कि आप कैसे यहाँ पे, बट संदेह अभी पुलिस के द्वारा विजिट करके बताया जा रहा है कि आपके जलनाई के ही वजह से ये सारी चीज़ें घटनाएं हुई है, चोरी का कोई इसमें वो नहीं है। वारासिवनी थाना क्षेत्र में 8 माह की मासूम बच्ची के साथ 22 वर्षीय युवक के द्वारा दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया। वारासिवनी पुलिस ने इस मामले में 22 वर्षीय युवक आशीष पिता कामता प्रसाद बिसेन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है।
पिछले माह भी रामपैली बैहर लांजी में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इस वर्ष जिले में आधा दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं हुई है। हाल ही में वारासुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में 22 वर्षीय युवक ने अनुसूचित जनजाति की 8 माह की मासूम बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की थी। जानकारी के मुताबिक 9 जुलाई को भी 11:30 बजे करीब इस 8 माह की मासूम बच्ची को उसकी माँ के घर के अंदर पलंग में सुलाकर पीछे कपड़े धोने चले गई थी। जब महिला कपड़े धोने के बाद वापस आई तब आरोपी आशीष बिशेन घर के अंदर घुसकर पलंग में सो रही इस बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत कर रहा था। बच्ची की मां के देखे जाने पर उसने चिल्लाया तो युवक फरार हो गया था। घटना के दौरान इस मासूम बच्ची की दादी और पिता पड़ोसी में थे। महिला के द्वारा चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग घर पर आए, तभी युवक वहां से भागकर मोहल्ले में ही एक मकान में घुसकर छिप गया था, जिसे मोहल्ले वालों ने पकड़ते हुए खबर मिलते ही डायल 100 को इसकी सूचना दी गई थी। मासूम बच्ची की मां 33 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस थाने में आशीष बिशेन के विरुद्ध धारा 450, 376 AB भारतीय दंड विधान की धारा 5M/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का सुरक्षा अधिनियम के धारा 3(2)(V)(3)(1)(W) अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में आशीष बिशेन को गिरफ्तार करके विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। वारासुनी नगर के वार्ड नंबर 8 कटंगी रोड स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ATM पर शातिर चोरों के द्वारा 10 से 11 जुलाई के दरमियानी रात में चोरी का प्रयास किया गया, जिसमें चोरों ने शटर का ताला काटकर चोरी का प्रयास किया गया, परंतु वह ATM मशीन का कुछ नहीं कर पाए, जिसके चलते उसकी जाली खोलकर वे सिर्फ भाग गए, जिसमें पुलिस के द्वारा गार्ड की जानकारी पर मौका निरीक्षण कर जांच प्रारंभ कर दी। परंतु देखने में आ रहा है कि इस प्रकार की असफल चोरी के संलिप्त लोगों का पता लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही, जबकि इस चोरी में संलिप्त लोगों को CCTV कैमरे में कैद कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाम 6 बजे अपने निर्धारित समय पर बंद हो गया था, जिसके बाद समस्त अधिकारी कर्मचारी अपने घर जा चुके थे, जहां पर शाम 6 बजे से ATM मशीन की सुरक्षा के लिए गार्ड बैठा हुआ था, जो ATM का शटर गिराकर रात्रि करीब 10 बजे अपने घर चला गया, जहां से वह सुबह 6 बजे पुनः अपनी नौकरी पर ATM खोलने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि ATM के शटर के ताले टूटे हुए और वहीं ATM मशीन के सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है। जो मशीन है उसके सामने की जाली निकली पड़ी हुई थी, जिस पर उनके द्वारा घटना की जानकारी डायल 100 और बैंक मैनेजर को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और CCTV कैमरे की जांच पुलिस के माध्यम से की गई, जिसमें 3 नकाबपोश व्यक्ति CCTV कैमरे के अनुसार रात 2 बजे आए और गैस कटर से ATM के शटर के ताले को काटने लगे, जिसके बाद उन्होंने ATM मशीन को खोलने का बहुत प्रयास किया, परंतु मशीन न खुलने पर वह अपना सामान लेकर फरार हो गए। इस असफल चोरी का आवेदन बैंक के द्वारा पुलिस को दिया गया, जिस पर पुलिस के द्वारा जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ATM चोरी के प्रयास की शिकायत पर मामले की जानकारी पुलिस के द्वारा जिला प्रशासन को दी गई और चोरों का पता लगाने के लिए डॉग स्कॉट व फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को भी बुलाया गया, जिनके द्वारा मामले की गंभीरता से जाँच की गई, जिसमें फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के द्वारा मशीन व ताले सहित अन्य स्थानों पर लगे हुए चोरों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, तो वहीं डॉग स्कॉट के द्वारा घटनास्थल की सेंट के आधार पर उन्हें दौड़ाया गया, जिसमें करीब 1 किलोमीटर दूर नदी तक गया, जहां पर वह रुक गया, जिससे किसी प्रकार के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। सुबह 6 बजे तो मेरे आने के बाद पाया गया कि ताले दोनों गायब हैं, टूटे हुए हैं, और उसके बाद मैंने अपने ब्रांच मैनेजर को कॉल किया, फिर हम 2 नंबर डायल को कॉल किए, 2 नंबर डायल आई, मेरे साहब भी आए, उनके द्वारा देखा गया और फिर तो थोड़ा उठा के देखे तो अंदर ATM कार्ड सामने आना पड़ा, टूटा पाया गया, अंदर में कोई परेशानी नहीं हुई है। सर कोई राशि चोरी करी गई है? कोई राशि नहीं है। CCTV चेक किया गया? CCTV चेक किए हैं पुलिस के द्वारा, तो अभी 3 लोग दिख रहे हैं कटा से काटते हुए। गेट को काय से काटा गया? गैस कटर से काटा गया। CCTV कैमरे में दिख रहे हैं। CCTV कैमरे में तो इनमें से किसी को पहचानते हैं? करीब कितने बजे रात की घटना है? CCTV कैमरे में 2 बजे।
शासन के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षण सुविधाएं दी जा रही है, साथ ही बच्चों को छात्रावास सुविधा भी प्रदान किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही कार्यप्रणाली के चलते स्कूली बच्चों को समय पर वह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही। ऐसा ही एक वाक्या शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में सामने आया। उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं के लिए 100 सीटर छात्रावास का निर्माण किया गया। छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, यहां तक कि दोनों ही छात्रावास स्कूल को हैंडओवर हो चुके हैं। इसके बावजूद भी छात्रावास में छात्रों को प्रवेश दिलाए जाने का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि अभी तक इंतजार निर्माण कार्य पूर्ण होने का किया जा रहा था, लेकिन अब इंतजार उन छात्रावासों में कर्मचारियों की पदस्थापना का किया जा रहा है। यह कार्य वैसे तो जिला प्रशासन के अंडर में है, इस कार्य को जल्द ही पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन इस ओर कोई गंभीरता नहीं दिखाए जाने के कारण कर्मचारियों की पदस्थापना में लेट लतीफी की जा रही है, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। छात्रावास बनकर तैयार हो चुका है, क्या हैंडवर्क हुआ है कि नहीं हुआ है? तो फिर वहाँ पे बच्चों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी वो कर्मचारी वगैरह की कर्मचारियों की अभी भर्ती नहीं हो पाई है, शायद ये ऑफिस से विज्ञप्ति वगैरह निकालेंगे वो लोग, उसके बाद ही। मतलब कर्मचारियों की तैनाती मतलब पदस्थापना न होने के कारण हुआ? कब तक हो सकता है मैडम? फिर भी मीटिंग हुई थी डीओ साहब से, हमने चर्चा किए थे, डीओ साहब ने ही मीटिंग लिए थे, चर्चा की, देखिए कब तक होता है, वहाँ से डीओ ऑफिस से ही निकलेगी वो विज्ञप्ति कर्मचारियों की। उत्कृष्ट विद्यालय का जो 100 सीटर छात्रावास जो है बनके तैयार हो चुका है, लेकिन बच्चे वहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं। अभी आदेश आया है और उत्कृष्ट विद्यालय का हॉस्टल के जो भवन है, गर्ल्स और बॉयज दोनों हॉस्टल के, तो ये भवन तैयार हो चुके हैं। संचालनालय से अभी पत्र आया है जिसमें विद्यालय के प्राचार्य द्वारा वहाँ पर जो स्टाफ है उस स्टाफ से वार्डन का चयन करना है, बच्चों से सहमति लेना है, बच्चों की जानकारी, और इस सत्र में हॉस्टल को प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त हो गए हैं और प्राचार्य द्वारा और उनके स्टाफ द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। 6 या 7 दिन में हमारे पास उससे प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा। तो हॉस्टल में कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इसकी जानकारी हम संचालनालय को भेजेंगे, उसके बाद में वहाँ के लिए बजट इत्यादि जारी होगा उन बच्चों के हिसाब से, और हॉस्टल जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। सर स्टाफ मतलब स्टाफ हो जाएगा पर्याप्त सर वहाँ पर, मतलब ये स्कूल से ही चयन करना है स्टाफ? वहाँ के जो गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल हैं वहाँ पर वार्डन एक जगह पुरुष शिक्षक चाहिए, और जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर महिला शिक्षिका चाहिए। तो हम लोगों का ये प्रयास है, मैंने संबंधित जो निर्देश है वहाँ के प्राचार्य को हमने जानकारी मिला दिया है, उनके पास भी प्रपत्र संचालनालय से आ गया है, अब वो अपने स्टाफ के साथ में सहमति लेकर के किसी अच्छे शिक्षक का चुनाव करेंगे जिनको कि वार्डन के रूप में वहाँ रखेंगे। खैलांजी पंचायत में होने वाले निर्माण कार्यों की एजेंसी खैलांजी पंचायत को ना बनाकर किसी अन्य पंचायत को एजेंसी बनाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां निर्माण एजेंसी परिवर्तित किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में खैलांजी पंचायत के प्रतिनिधियों सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी ज्ञापन सौंपकर मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिन्होंने यथाशीघ्र ही कार्य एजेंसी परिवर्तित करने के लिए मांग को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए खैलांजी पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाए जाने की मांग की। जिन्होंने यथाशीघ्र मांग पूरी न होने पर सरपंच सहित सभी 21 पंचों के साथ सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपकर उग्र आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी। इसलिए आए थे हम अपने जनपद सदस्य साथियों के साथ, जब हम लोग यहाँ पहुँचे खैरलांजी में जो जनपद द्वारा 15वें वित्त के अंतर्गत कुछ कार्य जनपद परिसर को सौंदर्यीकरण करने के लिए स्वीकृत किया गया था, वह सारे सदस्यों की अनुमति से स्वीकृत किया गया था, लेकिन अध्यक्ष जी और आदरणीय सीओ साहब की दोनों की मिली भगत से उन लोगों ने बिना किसी सदस्य को पूछे यह कार्य खैरलांजी से 7 किलोमीटर दूर ग्राम सालेटेका की पंचायत को कार्य एजेंसी बनाया। हम लोग कार्य एजेंसी का विरोध करने के लिए और कार्य एजेंसी बदलने के लिए यहाँ आए, ताकि खैरलांजी जिसके परिसर में खैरलांज जनपद आता है उस परिसर की ही पंचायत को वह काम दिया जाए, यह बात करने के लिए हम कलेक्टर महोदय। पिछले कई दशकों से वन भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे लोगों को जहां एक ओर शासन के द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे आवंटित किए जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शासन के इसी दावे की हकीकत कुछ और ही है।
जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले अब ऐसे कई लोग हैं जो कई वर्षों से वन भूमि पर कब्जा कर उसमें खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें शासन के द्वारा पट्टे आवंटित नहीं किए गए, जिसके चलते वे लोग पिछले कई वर्षों से कृषि भूमि का पट्टा प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। कब्जे वाली भूमि का पट्टे दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को बैयर क्षेत्र के ग्राम गिदोरी से करीब एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत जल्द से जल्द पट्टे प्रदान करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे बैगा आदिवासी ग्रामीणों ने बताया कि वे करीब 20 वर्षों से वन भूमि पर कब्जा कर उसमें खेती करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वन विभाग उनकी जमीन से उन्हें बेदखल कर रहा है, वहीं कब्जा भूमि का पट्टा दिलाने बोल रहा है। उन्होंने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से जहां तक आवेदन कर वे अपनी फरियाद कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उन्हें पट्टे के नाम पर केवल और केवल आश्वासन दिया जा रहा है। सर जी, हम आए हैं जी, वन भूमि के जमीन को कमा रहे हैं सर, ये 2000 पहले से कमा रहे हैं सर, 2004 पहले से सर, और उसके बाद भी आज सारी सवाल इतने परेशान कर रहे हैं सर, कांसार को इनके नांगर उठा के ले गए, इनका जुआड़ी उठा के ले गए, फिर तक क्या करेंगे सर, बहुत परेशानी है सर। ऐसे कितने लोग हैं और कितनी एकड़ जमीन पे जो है कब्जा करके खेती कर रहे हैं? सर ये यहाँ लगभग 20 लोग हैं सर, लगभग 2 हेक्टेयर, एक व्यक्ति 2 हेक्टेयर लगभग कमा रहे हैं जी, लगभग 5 एकड़। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में एक महिला सहित 2 लोगों की सांप के काटने से मौत हो गई। दोनों मृतक अनिता पति प्रताप सिंह परते 35 वर्ष ग्राम भालापुरी थाना गढ़ी और दुर्गा प्रसाद पिता गोविंद डहरवाल 45 वर्ष ग्राम हरदोली थाना तिरोड़ी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भालापुरी थाना गढ़ी निवासी अनिता अपने पति प्रताप के साथ खेती किसानी करती थी, जिसके परिवार में एक लड़का और 2 लड़की है। बताया गया कि 9 जुलाई की रात्रि में अनिता अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गई थी। रात्रि 2 बजे करीब अनिता बाथरूम के लिए उठी। बाथरूम से वापस आने के बाद जैसी वह बिस्तर पर लेटी, उसी समय उसके दाहिने हाथ में किसी सांप ने काट दिया। इस संबंध में अनिता ने अपने पति प्रताप को बताया और रात्रि में ही झाड़ फूंक से अनिता का इलाज किया गया, किंतु ठीक नहीं होने पर उसे धड़ी का अस्पताल लाया गया, किंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनिता के अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। इस प्रकार ग्राम हरदोली थाना तिरोड़ी निवासी दुर्गा प्रसाद डहरवाल अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते थे। 10 जुलाई को 12 बजे करीब दुर्गा प्रसाद डहरवाल अपने खेत में पहरा लगाने के लिए कीचड़ में जा रहे थे, तभी उनके बाएं पैर में किसी सांप ने काट दिया। इस संबंध में दुर्गा प्रसाद ने अपनी पत्नी को बताया और दुर्गा प्रसाद को उसके परिवार वाले लोग इलाज के लिए कटंगी के अस्पताल ला रहे थे, किंतु दुर्गा प्रसाद की भी रास्ते में ही मौत हो गई। संबंधित थाने की पुलिस ने दोनों मृतक के इलाज का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे मर्ग कायम कर जाँच शुरू की है। गोंदिया रोड में ग्रामीण थाने के ठीक सामने वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल चालक ने वाहन चेकिंग से बचने और भागने में जानबूझकर मोटरसाइकिल वाहन चेकिंग में लगे सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा पर बाइक चढ़ा दी। यह घटना 11 जुलाई की शाम 5:30 की बताई जा रही है। इस घटना में घायल सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा को ग्रामीण थाना के पुलिस कर्मचारियों ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 जुलाई शाम 5:30 बजे करीब गोंदिया रोड ग्रामीण थाने के ठीक सामने वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग में सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा के अलावा अन्य पुलिस कर्मचारी थाने के सामने वाहन चेकिंग में लगे हुए थे, तभी मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक बालाघाट की ओर पहुंचे। मोटरसाइकिल चला रहे युवक ने वाहन चेकिंग से बचने के लिए मोटरसाइकिल को तेज गति से चलाते हुए लाए और भागने के चक्कर में सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा पर जानबूझकर मोटरसाइकिल चढ़ा दी। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से लगने से सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा सर हाथ पैर में उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आने से वह बेहोश हो गए। बताया गया कि सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा पर मोटरसाइकिल चढ़ाने के बाद दोनों युवक भाग रहे थे, जिन्हें अन्य पुलिस कर्मचारियों ने पकड़ लिया। इस घटना के दौरान थाना प्रभारी प्रकाश बास्कले थाना में थे, जो तुरंत ही मौके पर पहुंचे, जिन्होंने अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ घायल सब इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा को वहां से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया। इस मामले में मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध धारा 332 के तहत कार्रवाई की गई। लामता के बस स्टैंड के पास मेन रोड पर एक दलिया से भरा ट्रक जो मंडला से बालाघाट आ रहा था, रोड में बैठे आवारा मवेशियों को बचाने के चक्कर में ट्रक पलटने से बच गया।
यह घटना 11 जुलाई की शाम 7:30 बजे हुई। ट्रक के बिल्डिंग के सहारे टिकने से और भी कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। समाचार लिखे जाने तक ट्रक को मौके से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। बताया कि इससे बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल भी टूट गई है। वहीं ट्रक के नीचे एक मोटरसाइकिल दबना बताया जा रहा है। ये मेन रोड पर कैसे गाड़ी पलट गई? गैया बैठी रहे, पूरे मवेशी बैठे रहे रास्ते में, किनारे से निकाला तो गील माटी कारण उसमें पलट गई गाड़ी।